बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये जी स्पेयर पार्ट्स की शॉप है हमारे भाई की। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, हम आपको बताएंगे कि पार्ट्स का काम जो है वो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बिज़नेस जो है इसमें रिटेल और सेल कौन सा करना चाहिए, और माल कहाँ से मंगवाते हैं, और वो कौन सा माल हम रखें जिसमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे भाई हैं, आज उनसे मुलाकात करवाते हैं जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है पार्ट्स के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? सर, हमारे दोस्तों को जो इन्फॉर्मेशन है वो बताएं कि पार्ट्स का जो काम है वो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट में हम स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका क्या क्राइटेरिया है? ये सर, आप सभी आप जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 50,000 है, 1,00,000 है, थोड़ा सा प्लीज़ लाउडली बोलें, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000-1.5 लाख से आप इंस्ट्रूमेंट शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने पहले दुकान देखनी है कि वो मार्केट में है, मार्केट के अलावा है, क्योंकि स्पेयर पार्ट ज़्यादा चलता है मार्केट के अंदर। जहाँ ये मार्केट है वहाँ आपने शॉप देखनी है, और वहाँ आपने इन्वेस्ट करना है पहले 1,00,000 या 1.5 लाख, बस इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। फिर जब आप दुकान डालेंगे, 1,00,000-1.5 लाख का माल डालेंगे उसके ऊपर, फिर आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा भी इस मार्केट में इस पार्ट की रूटीन है। तो वो जिस पार्ट्स की रूटीन होगी वो पार्ट्स आप ऐसा उसमें वो डालते जाएंगे। तो हमारे दोस्तों को ये बताएं कि माल हमें किस तरह का रखना चाहिए जिसमें आपको जो उसकी रेशो है प्रॉफिट मार्जिन वो भी ज़्यादा हो, माल आप यानी कि आप जैसे जैसे माल डालते जाएं वो निकलता जाए। ये वही मैंने बात की है कि हम मार्केट का अंदाज़ा रखें कि रनिंग आइटम उसमें कौन सा ज़्यादा चल रहा है, आप जो रनिंग आइटम है उसकी तादाद बढ़ाएँ। तो रनिंग आइटम जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतनी आपकी जो है वो चलना ज़्यादा होगी। ये नहीं आप 1,00,000-1.5 लाख का माल वो डालें जिसकी रनिंग ही ना हो, तो आपके यार हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। वो आइटम रखें जिसकी रनिंग हो। और इसमें साथ आप ये भी थोड़ा सा बता दें, रिटेल का या उसका सेल का, उसमें क्या हिसाब किताब है? रिटेल का होता है कि हम होलसेल पे माल लेके फिर रिटेल के ऊपर बेचते हैं। मतलब कि अगर एक हमने एक बाइक का इशारा लिया है, वो हमें 40 का आया है, इंडिकेटर इंडिकेटर की बात, इंडिकेटर इशारा इंडिकेटर जो होता है वो हमें 40 का आया है, वो हम रिटेल 60 रुपये की करेंगे। और होलसेल में जो होता है वो अगर हमें एक इशारा 40 का आया तो होलसेल में उसको हम 45 का 42 का 43 का उस हिसाब से चलते हैं। रिटेल में एक आइटम जाएगा, होलसेल में आप इंडिकेटर 10 या 12 जाएंगे। तो माल जहाँ से आप उठाते हैं, कौन सा सिटी ज़्यादा बेस्ट रहता है पार्ट्स के हवाले से? कराची, लाहौर, मुल्तान? पार्ट्स के हवाले से लाहौर, कराची और कराची। सही है। तो इन शॉर्ट आपका ये कहना है दोस्तों के से कि आप जो है वो पार्ट्स का काम कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। नहीं, नहीं। और अब आपने शॉप वो देखनी है जो मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर ही शॉप होनी चाहिए, और ये मैटर नहीं करता कि आपकी शॉप बड़ी है या छोटी, बड़ी है या छोटी है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये जनाब हमारे भाई नुमान साहब जो आपको इस पार्ट्स के बिज़नेस के हवाले में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो उम्मीद करते हैं आपको इस बिज़नेस के हवाले से समझ लगी होगी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन पार्ट्स के हवाले से चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नुमान भाई का नंबर मेंशन कर दूँगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।